विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा के सौजन्य से जिला चंबा के उपमंडल मुख्यालय सलूनी पर रविवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने शिविर में आए लोगों को संबोधित करते हुए इन शिविरों के आयोजन के महत्व, इसकी सहायता किस प्रकार ली जाए, उस पर विस्तार से जानकारी बांटी। वहीं उन्होंने समाज के चारों स्तंभों का भी बखूबी से वर्णन किया। इस दौरान पंकज कुमार गुप्ता, सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा द्वारा गरीब जनता, महिलाओं व बच्चों को निशुल्क मिलने वाली विधिक सेवाओं बारे जानकारी देते हुए कहा कि भारत के 70% लोग इन सेवाओं के हकदार हैं, मगर मात्र 1% लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। वहीं SP चंबा डॉक्टर मोनिका भुटुंगुरु ने बच्चों व महिलाओं के कानून बारे समझाया, तो ADC चंबा मुकेश रेप सवाल ने पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं बारे बताते हुए कहा कि अप्रैल 2019 से अब तक पंचायतों में मनरेगा के तहत 5,000 करोड़ की धनराशि जिला में खर्च की जा चुकी है। शिविर में पहुंचने पर मुख्य अतिथि ने पुलिस जवानों की सलामी ली, तो वहीं ढोल बजाकर उनका स्वागत करते हुए शॉल, टोपी, स्मृति चिन्ह व चंबा रुमाल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर JMIC चंबा उमेश वर्मा, SDJM डलहौजी अशोक वत्सल, बार एसोसिएशन प्रधान चंबा DP मल्होत्रा, SDM सलोनी विजय कुमार धीमान, DSP सलोनी रामकरण राणा व तमाम विभागों के अधिकारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हिमाचल तेज खबर के लिए सलोनी से ब्यूरो की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इसको छोड़ के आप सबको पता है कि एक की घरेलू हिंसा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा, CDPO ऑफिस में वो कंप्लेन दी जाती है और आप सबको और खर्चे का केस लगाया जा सकता है। क्रुएल्टी टू वुमेन के लिए अलग से है, अगर आपके साथ मारपीट हुई है, दहेज के लिए मारपीट हुई है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हमारा सिस्टम, हम संविधान के अंदर और संविधान के द्वारा जो कानून बनाए गए उनके तहत हम काम करते हैं। कानून की पाबंदी हर जगह है, कानून को मानना हमारा धर्म है, हमारा काम है। अब ये स्कूल का ग्राउंड है, क्या इस स्कूल के ग्राउंड पे ये जो आज का जो सभा हो रही है, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसको हम अपने आप ऐसे ही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें भी प्रिंसिपल साहब को पूछना पड़ेगा, यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज हम मनमानी नहीं कर सकते, तो इसलिए आज हम आज कुछ आपसे कानून की बात करेंगे कि कानून का क्या महत्व है और करना उनको उनके ऊपर अमल करना, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमारे संविधान ने लोगों के अधिकारों तथा हितों को सुरक्षित करने के लिए 3 स्तंभों, विधानपालिका, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रावधान किया। ये संविधान के अंदर इसका प्रावधान होगा कि भाई स्टेट के अंदर एक तो विधानसभा होनी चाहिए और कार्यपालिका होनी चाहिए, एग्जेक्टिव होनी चाहिए, और एक न्यायपालिका होनी चाहिए, और इन तीनों का अपना अपना इनको अपना दायरा भी बता दिया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, इसका भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर हुआ। अगर सीधे और सरल शब्दों में मैं कहूं तो हमारी जो विधानसभा है, विधायिका जिसको हम बोलते हैं, वो बनाती है कानून, और जो हमारी कार्यपालिका है, जैसे हमारे यहाँ पर ADC साहब है, DC साहब है, SP मैडम है, SDM साहब है, और बाकी जो ऑफिसर है, ये कार्यपालिका में आते हैं और इनका काम होता है जो कानून बने हैं उन कानून को लागू करना, उन कानूनों का कोई उल्लंघन न करे, ये इनका काम है।